वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी कोरोना का टाइम में आप सब घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो फिर यूट्यूब फैमिली है सब घर में स्वस्थ और सुरक्षित रहे। तो चलिए आज का मैं लंच रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चावल की चीला। तो ये बाबू के लिए बना रही हूँ, निक के लिए, क्योंकि वो पोहा नहीं खाता। मैं सुबह पोहा का नाश्ता बनाई थी, तो चलिए उसको मैं पहले बना देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने चावल 2 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दी थी और मुझे पता था कि वो पोहा नहीं खाएगा, इसलिए उसके लिए चावल का चीला मैं बना देती हूँ। और उसको वो बहुत पसंद है ये सफ़ेद वाला चीला, और इसमें कुछ नहीं मिलाऊंगी। तो ये देखिए पानी डाल के अभी मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। तो देखिए पीस ली हूँ और तवा उधर गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो जार को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से, तो इसमें पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से धो के डाल दी हूँ, उसमें मिला दी हूँ बैटर में। और ये थोड़ा सा मोटा हो गया बैटर, तो उसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, ये गर्म पानी डालने से अच्छा होता है। तो देखिए गर्म पानी हो गया है और मैं इसको मिला देती हूँ बैटर में, और उधर तवा गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। तो ये देखिए मैं देख लेती हूँ कितना बैटर मोटा रखना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पतला ही जाता है, ज़्यादा मोटा रखने से फिर मोटा मोटा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इतना मतलब पतला होना चाहिए। तो अभी मैं तेल ले लेती हूँ। तो ये देखिए तवा गर्म हो चुका है और उसमें तेल डाल के और बैटर को डालते जाऊंगी। तो 2 कलछुल डाल के इसको फैला लेती हूँ, तो हाथ लगा के नहीं फैलाऊंगी, इसी तरह तवा से ही ऊपर नीचे करके तवा को बैटर को फैलाऊंगी। और ये पूरा जालीदार चीला बनता है। और इसमें कुछ नहीं मिलाई हूँ क्योंकि निक को कुछ मिलाने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसी तरह से इसको सफ़ेद चीला बना देती हूँ सिर्फ नमक डाल के। और ये देखिए बहुत ही अच्छा से बन जाता है और ये पूरा जालीदार बनता है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो उसको मैं अभी बना के 2 चीला बना के उसको सबसे पहले दे देती हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम में इस तरह का नाश्ता ही अच्छा लगता है खाने में। तभी मैं दूसरा चीला बनाऊंगी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो इस तरह के चीला मैं अक्सर हमेशा घर में बनाती हूँ, और कई बार तो मैं कद्दू मिला के आलू मिला के भी बनाती हूँ। तो आप लोग भी बना के देखिएगा, काफ़ी टेस्टी लगेगा, झटपट बनने वाला ये रेसिपी है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और रोटी बनाने से अच्छा है, जैसे कि सुबह रोटी सब्जी बनाते हैं, उससे अच्छा ये झटपट बन के और चाय नाश्ते के साथ आप ले सकते हैं। और अभी कोरोना के टाइम में बाहर का खाना खाने से अच्छा है, मतलब जैसे कि भुजिया होता है, सेव मिक्सचर होता है, वो अच्छा नहीं है बाहर का खाना। तो इस तरह से घर में बना के खाइए, सेहतमंद भी है और अच्छा भी है, जल्दी बन जाता है। तो बस उसे निक को दे देती हूँ, उसके बाद मैं और 1-2 बना लेती हूँ अपने लिए और बेटी के लिए। और इधर मैंने चावल चढ़ा दी थी इंडक्शन में, तो देखिए ये भी पक रहा है। और ये काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उचना चावल है, तो इसको पकने में 1 घंटा लग जाता है। इधर मेरा चावल पक रहा है, इधर मैं कढ़ाई ले ली हूँ और उसमें तेल डाल के, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की चटनी। तो चलिए आप देखिए आप लोग कैसे मैं कद्दू की चटनी बनाती हूँ। तो तेल में मैंने जीरा डाल दी हूँ और मिर्ची, तो मैं थोड़ा सा मिर्ची ली हूँ क्योंकि ये बहुत ही तीखी होती है जो मैं अभी डाली हूँ, और आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए कद्दू मैंने काट के रखी थी, वो मिला देती हूँ और कद्दू को थोड़ा सा भून लूँगी, मतलब थोड़ा सा पक जाए उतना भूनूँगी। तो
तो ये देखिए भुन गया है और इसका पानी जो है वो सूख गया है, और उसमें मैं टमाटर मिला देती हूँ। तो टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। और ये चटनी बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, देखिएगा आप लोग कभी बना के। तो इसमें थोड़ा सा मैं मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि मिर्ची कम डाली थी हरी मिर्च, इसलिए मिर्ची पाउडर थोड़ा सा मिला देती हूँ। और आप चाहे नहीं मिला सकते हैं, अगर हरी मिर्ची ज़्यादा डाल लेंगे पहले ही तो नहीं मिला सकते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो अभी मैं इसमें इमली का पेस्ट डाल देती हूँ ताकि इसमें खट्टापन आए। तो ये देखिए कद्दू और टमाटर भून ली हूँ मैं, तो इसका भी ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको पीसूंगी। तो ये देखिए कद्दू और टमाटर ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। तो पीसने के बाद इधर दूसरा कढ़ाई ले चुकी हूँ, तो इसमें तेल डाल देती हूँ। तो जो चटनी पीसी हूँ उसमें तड़का लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने राई, जीरा और लाल मिर्च और चना दाल ले ली हूँ, देखिए। तो उसको मैं डाल देती हूँ तेल में। तो इसको अभी तड़कने दूंगी। तो राई मेरा हो चुका है थोड़ा सा लाल, तो अभी मैं डाल देती हूँ ये सारी चटनी जो पीस के रखी थी उसको मैं डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से कद्दू का चटनी बनके रेडी है। तभी मैं तड़का लगाई थी, उस वक्त आप लोग चाहे तो कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डाली हूँ। कड़ी पत्ता डालने से भी उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो अभी मैं जार को थोड़ा सा धो के डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेस्ट अभी हो जाता चटनी, इसलिए। तो ये देखिए मेरा कद्दू का चटनी बन के रेडी है। तो इसको रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, चाहे चावल के साथ खा सकते हैं, मैं चावल के साथ अभी खाऊंगी। तो इधर मेरा हो गया चटनी रेडी, और अभी मैं अभी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो सब्जी के लिए फिर से तेल डाल ली हूँ कढ़ाई में, और इसमें डालूंगी जीरा और मिर्ची। तो इसको थोड़ा देर चटकने के बाद मैं डाल देती हूँ प्याज। तो प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का भूनूंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी अभी लोबिया और आलू की भुजिया बनाऊंगी। ये देखिए लोबिया मैंने डाल दी है। तो कोई कोई इसको लोबिया बोलते हैं, कोई और कुछ, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं बहुत जगह, और हमारे यहाँ तो घंघरा बोलते हैं। तो अभी मैं घंघरा की सब्जी भुंजिया बना रही हूँ, सब्जी नहीं है ये, सूखी सब्जी है भुंजिया टाइप से। तो इसमें हल्दी डाल देती हूँ आधा चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, और इसको अभी मैं हिला लूँगी उलट पुलट करके। और इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। तो ये भी बहुत ही झटपट बन जाता है भुंजिया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उधर मेरा दाल हो रहा है और इधर मैं भुंजिया बना रही हूँ। तो यही था आज का मेरा लंच, दाल और भुंजिया, लोबिया की भुंजिया और कद्दू की चटनी। तो अभी क्या मेरा खाना कंप्लीट हो गया बनके, और अभी मैं जाऊंगी बच्चों को खाना दे देती हूँ, और अभी मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हस्बैंड आने वाले हैं 2 बजे, तो मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा और मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तो बाय बाय। तो ये देखिए शाम का टाइम है, 4 बज चुका है। तो ये देखिए हमारे यहाँ बहुत
आंधी तूफान अभी आके गुजर गया और बहुत अच्छी पानी हुई है और गर्मी भी बहुत लग रही थी तो अभी ठंडा का मौसम कर दिया। देखिए बहुत ही सुंदर मौसम हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे यहाँ का नज़ारा। और दिन भर गर्मी रहने के बाद पानी पड़ता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बताइए आप लोग के उधर पानी गिरा कि नहीं, और पानी के साथ कुछ बर भी गिर रहे थे तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई, याद ही नहीं पड़ा। तो पानी गिरने के बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ।